वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9। यहां पर एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम की शेप में है, यानी समलंब चतुर्भुज के आकार में है। उसकी पैरेलल साइड्स जो है 25 मीटर और 10 मीटर है, और नॉन पैरेलल साइड्स 14 मीटर है। आपको एरिया बताना है इस फील्ड का। देखिए, पहले हम इसका निर्माण करते हैं फील्ड का। कैसे करेंगे? समलंब में क्या होता है कि दो साइड होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। ये दो पैरेलल साइड है, इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो समलंब होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे जोड़ दीजिए और ऐसे जोड़ दीजिए। इसकी एक समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर है, यानी ये जो भुजा है ये 25 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो भुजा है वो 10 मीटर है, ये दिया हुआ है। और गेन समांतर भुजाएं 14 और 13 है, यानी कि आप देख लीजिए ये जो भुजा है ये 13 है और ये जो है ये 14 है। ये आपको साइज दी हुई है। अब आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। आप इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, एरिया ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें इसीलिए हम इसको सीधा नहीं निकाल सकते। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 1/2 गुणा साइड वन, ठीक है, गुणा साइड वन प्लस साइड टू। कौन सी साइड? पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड आप ये भी लिख सकते हैं, पैरेलल साइड वन और पैरेलल साइड टू को दोनों को जोड़ के और उसमें उसको आधा कर दें तो आपका एरिया निकल जाएगा। अब यहां प्राप्त करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास साइड वन भी है 10, साइड टू भी है 25, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास में हाइट नहीं है। पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हाइट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालने के लिए हमको यहां पर एक ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी जो 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब ये जो आपका चतुर्भुज बन जाएगा ये 10/13 का हो जाएगा, यानी ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी 10, ये 25 है, इसमें से 10 तो ये हो गया, 15 ये हो गया। देखिए, साइज पे ध्यान मत जाइए, हम खाली ये आपको नमूना बता रहे हैं। ये 15 सेंटीमीटर लंबा है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये ज्यादा कैसे हुआ इस दिमाग में मत लाइए, ये हम खाली आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, दोनों मिला के 25 है। तो ये जो त्रिभुज है ए, इसको नाम दे दीजिए आप ई दे दीजिए, ठीक है। अब ये त्रिभुज जो है ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास में इसकी तीनों साइडें हैं, और इसका जब एरिया निकल जाएगा तो उसमें अगर बेस, इसका बेस क्या है 15, उस एरिया में बेस का भाग दे देंगे तो हमारे को हाइट आ जाएगी। तो इसका एरिया हम निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूले से। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या है आप जानते ही हो, ये होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस यानी सेमी पेरीमीटर, कैसे निकालेंगे? पहले पेरीमीटर निकाल लो, उसका आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा? 14, 13, 15 को जोड़ो, 14 प्लस 13 प्लस 15, तीनों को जोड़ा कितना हुआ? 42 हुआ, उसमें 2 का भाग दो 21, ये क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। 42 क्या है? पेरीमीटर। तो एस की जगह हो गया आपका 21, सिंपल। 21 माइनस ए यानी 14, 21 माइनस बी यानी 13, और 21 माइनस 15 यानी सी। ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी, और इसको सारा सिंपल कर लेते हैं। तो 21 गुणा 21 में से 14 गया 7, 21 में से 13 घटाया तो 8, और 21 में से 15 घटाया तो 6। अब देखिए, इसके ये अंडर रूट है, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे।
गुणनखंड हमने किए, चलिए 21 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 3 × 7 हो सकते हैं, बस 7 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। 8 के क्या हो सकते हैं? 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 × 2 × 2। और 6 के क्या हो सकते हैं? 2 × 3। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 7 रह गया, और ये अब देखिए अंडर रूट है, इसको बाहर निकालिए। अगर ये पेयर बनते हैं इसमें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, आधी आधी संख्या, यानी अंडर रूट वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 3 की कितनी संख्या है? 1 और 2। ठीक है, इस 3 को हम बाहर ले आए, क्लियर। 2 के 7 के देखिए, 7 के 2 है, ये भी बाहर आ जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा 7 का भी। फिर 2 के देखिए, ये 2 है, बाहर आ गया। फिर 2 के ये 2 है, यानी बाहर आ गया, यानी ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसको हम करते करो, अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा। सबको हल किया, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, 42 × 2 = 84। ठीक है, 84 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका क्षेत्रफल हो गया, किसका? ट्राइंगल का। जब ट्राइंगल का क्षेत्रफल 84 हो गया तो इसकी हाइट क्या होगी? अगर हम हाइट में आधार का भाग दे दें और उसको 2 से गुणा करते हैं, देखिए ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता है? अगर ये सिंपल सा काम हो, हमारे पास हाइट पता हो, तो हम क्या करते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1/2 × बेस × हाइट करते हैं। ठीक है, यहां पर हाइट नहीं दी हुई है इसलिए हमें हाइट पता नहीं है, लेकिन हमें इसका रिजल्ट पता है। तो 1/2 × बेस × हाइट बराबर कितना है? 84 है। बस इसको हल कर लीजिए आप, बेस भी पता है हमें, बेस कितना है? 15 है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, हाइट कितनी हो जाएगी? h बराबर 84, ये 15 जो है नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाइट बराबर इतना हो गया। अब आप देखिए इसको 84 को 2 से गुणा किया कितना हुआ? 168, इसमें 15 का भाग दे दीजिए, एक बार गया 15, बचा कितना? 1, फिर एक बार गया 15, बचा कितना? 3। अब भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दीजिए या 0 उतार लिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 15 × 2 = 30, 11.2। ये क्या आया? इसका हाइट आया, ये जो इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक, इसको नाम दे दीजिए आप एफ। ठीक है, AF बराबर 11.2, ये क्या है? हाइट, हमारे को हाइट पता लग गई। अब आप जो है इसका ट्रेपेजियम का पूरे का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाइए, ये हाइट वाली जगह आप लगिए, यहां पर पता लग गया तो हमको लग दीजिए इसको 11.2, और इसको आगे बढ़ाइए। आप कैसे बढ़ाएंगे? यहां लिख लीजिए इसको 1/2, ठीक है, गुणा 25 और 10 = 35। ठीक है, 25 और 10 = 35 हो गया, और गुणा हाइट यानी 11.2। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, आप इसको 2 और 11.2 को काटिए तो ये कितना हो जाएगा? 5.6, 11.2 का आधा, 35 और 5.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी यहां लिखिए आप 5.6, नीचे लिखिए आप 35, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। 5 से गुणा कीजिए, 6 × 5 = 30, 56 = 30, बचा 3, 55 = 25, 5 × 5 = 25, और 3 = 28। ठीक है, हो गया, यहां ये लगाइए, 3 से कीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, बच्चा कितना? 1, 15 और 1 = 16, इसको जोड़ दीजिए, 0 6 9 1, ठीक, 1906 हो गया। पॉइंट कहां लगेगा? दशमलव के आगे सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए यहां पर एक डिजिट छोके 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में ये क्या है?
एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ये जो ए बी सी डी ट्रेपेजियम है पूरा, ए बी सी डी ये जो पूरा ट्रेपेजियम है इसका एरिया हो गया 196 मीटर स्क्वायर। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो 196 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको कैसे हल करना है एग्जामिनेशन में, आप इसको पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के या पोज करके, आपको समझ में आ जाएगा। हमारी बात अगर आपके समझ में नहीं आई है तो आप इसको भी समझ सकते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा सा हमने ये साइंस जो है अलग यूज किए हो, लेकिन मकसद वही है। अगर आपको उसमें क्लियर नहीं हुआ हो, वीडियो से क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसका आंसर वही आएगा इस तरीके से भी। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।